भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है और पूरी सीरीज पे कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने आज भी टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहाँ पे भारतीय टीम एक बार शानदार बल्लेबाजी करती नजर आई। भारतीय टीम ने 4 विकेट गवाकर 190 रन बनाए। लोकेश राहुल यानी कि केएल राहुल एक बार फिर से शानदार फॉर्म में रहे और शानदार पारी खेली। 26 गेंदों में 47 रनों की बेहतरीन पारी खेली, एक बेहतरीन स्टार्ट दिया। वहीं शिखर धवन थोड़े स्लो पारी जरूर खेले, 24 गेंदों का सामना किया। शिखर धवन ने 14 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बीच एक मजबूत साझेदारी दिखी। कप्तान विराट कोहली ने 72 रनों की पारी खेली, नॉट आउट रहे। 38 गेंदों का सामना किया कप्तान विराट कोहली ने। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने 23 गेंदों में ही 40 रन जमा दिए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे अपना विकेट गंवा दिए। दिनेश कार्तिक नॉट आउट रहे 8 रन बना के और टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में 190 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत के लिए 191 रन चाहिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 गेंद शेष रहते ही 194 रन बना के ये मैच अपने नाम कर लिया है, साथ ही सीरीज पर कब्जा भी जमा लिया है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियाई टीम की तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल जो पहले मैच में भी शानदार फॉर्म में रहे, इस मैच में उन्होंने शतक जड़ दिया। नाबाद रहे उसके बावजूद भी 55 गेंदों में ग्लेन मैक्सवेल ने 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस पारी में ग्लेन मैक्सवेल ने 9 छक्के और 7 चौके जड़े। शानदार फॉर्म में रहे ग्लेन मैक्सवेल, पूरे मैच में इन्हीं का जलवा कायम रहा। वहीं ग्लेन मैक्सवेल का साथ दिया यहाँ पे अंत तक पीटर हैंडसकॉम ने। 18 गेंदों का सामना किया पीटर हैंडसकॉम ने, 20 रन बनाए, 1 चौके जड़े। वहीं ग्लेन मैक्सवेल और टॉसी शॉट का आज फिर से एक शानदार साझेदारी दिखी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। शुरुआत डासी शॉट और मार्कस एस्टोनिस ने की थी, मार्कस एस्टोनिस का विकेट गिरा, उसके बाद कप्तान एरन फिंच भी आउट हुए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे शानदार फॉर्म में सभी नजर आए। अगर बात करें डासी शॉट की तो डासी शॉट ने 28 गेंदों में 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली, एक भी छक्का नहीं लगाया लेकिन 6 चौके जरूर जड़े। वहीं मार्कस एस्टोनिस ने 11 गेंदों में 7 रन जमाए, 1 चौका जड़ा। वहीं एरन फिंच कप्तान एक बार फिर से इनका बल्ला खामोश रहा, 7 गेंदों का सामना किया, 8 रन जमाया एरन फिंच ने और 1 चौके जड़े थे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहाँ पे 7 विकेट से ये मैच जीत लिया 194 रन बना के और 2 गेंदे शेष रहते। ग्लेन मैक्सवेल शानदार तरीके से, इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, भारतीय गेंदबाजों की यहाँ पे पूरी तरीके से पिटाई की। सबसे अधिक अगर पिटाई हुई तो यहाँ पे युजवेंद्र चहल की, जो शानदार गेंदबाज है, लेकिन इनका आज दिन नहीं था। 4 ओवर में 47 रन दिया है युजवेंद्र चहल ने, एक भी विकेट नहीं हाथ लगा। विजय शंकर ने 4 ओवर में 38 रन दिए, 2 सफलता इनके हाथ लगी। जसप्रीत बुमराह का भी आज दिन नहीं था, 4 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने भी 30 रन दिए। वहीं सिद्धार्थ कौल आखिरी ओवर डाल रहे थे, इन्होंने 3 ओवर और 4 गेंदे फेंकी थी, 45 रन दिया, 1 सफलता इनके हाथ जरूर लगी। वहीं कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 33 रन दिए, एक भी सफलता इनके हाथ नहीं लगी और भारतीय टीम ने ये सीरीज गंवा दिया। इस T20 सीरीज में 2 मैच थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहाँ पे इंडिया को क्लीन स्वीप करके ये सीरीज अपने नाम कर लिया है। नेक्सन स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।